सैयद असलम। कई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इसका हाथ है। ये तबाही करने वालों में से मुख्य आरोपी है। इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट एटीएस ने अपनी जान पर खेल कर इसे पकड़ा है। अभी ये मुंबई की आर्थर जेल में बंद है, जिसे बहुत जल्द तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसने कई मासूम लोगों की जानें ली हैं और इंडिया को कई बार टारगेट किया है। भारत की बर्बादी हमारी आजादी, ये असलम का कहना है। मेरा नाम कृष्णा है। ये मेरी कहानी नहीं है, लेकिन मेरी कहानी ना होने पर भी मैं इस कहानी का हिस्सा बना। बनना पड़ा। हालात, सिचुएशन, किसी एक की जीत के लिए और दूसरे की हार के लिए, वो सिचुएशन ही इसका कारण बनी। कुछ दिन पहले इस जगह पर हुआ एक इंसिडेंट, एक्सीडेंट नहीं, उससे भी बढ़कर एक सिचुएशन। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, फिर भी जिसने गेम स्टार्ट किया वो है अनवर। फ्लाईओवर में जाकर तुम्हें क्या करना है जानते हो ना? जी। हाई टेक सिटी का फ्लाईओवर, क्योंकि यह आईटी इंडस्ट्री के लिए हाई फ्लाई है। बहुत से लोग रोज ड्यूटी पर जाते हैं, लेकिन आज कोई रिटर्न नहीं होना चाहिए। सही समय पर लॉरी से एक्सीडेंट हुआ, सभी गाड़ियां क्रैश हो जाएंगी। इतनी सारी गाड़ियां क्रैश होंगी और इसका नतीजा होगा ट्रैफिक जैम। ठीक 11:30 बजे डस्टबिन के पास बॉम्ब ब्लास्ट होगा और हैदराबाद को हार्ट अटैक होगा। कयूम, हमने जो प्लान बनाया है अब उसे एग्जीक्यूट करना है। कयूम, दिस इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ वॉर। जाओ, मजा आएगा जब 11:30 बजे पूरे हैदराबाद में एक की सोच एक का अंजाम, एक का प्लान तो दूसरे का जॉब। यह उन लोगों की कहानी है, लेकिन उस कहानी में उन लोगों ने मुझे धीरे धीरे बदल दिया। और कारण, वो लड़की, बस वही एक लड़की। आप लोगों को मेरी सिचुएशन जाननी है तो मेरी कहानी के बारे में पता होना चाहिए। अपने देश का सम्मान, हर नागरिक को जिस पर गर्व होता है वो है नेशनल फ्लैग। मेरी इस छोटी सी कहानी में नेशनल फ्लैग का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उस दिन 15 अगस्त का दिन था। हमारे स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ कुछ खेल भी आयोजित किए गए थे। क्रिकेट मैच, ये मैं हूँ और ये है मेरा दुश्मन, वही मेरा भाई। बेस्ट फेलो, तू जिस भी टीम में रहता है वो टीम हमेशा हार जाती है। एक बॉल में 2 रन चाहिए, सीधे से खेल। जिस टीम में मैं रहता हूँ वो टीम जरूर हारेगी, ऐसा मेरे भाई का मानना था। मेरे लिए खेल से ज्यादा टीम का इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे मेरी टीम पसंद नहीं आई तो मैं सामने वाली टीम को जिता देता हूँ। मेरी लाइफ में दूसरा एक सपोर्ट, मेरी होने वाली बीवी मैंगो। लड़की का नाम क्या है? मैंगो। मैंगो है। ये बचपन और ये मस्ती, मेरी सारी खुशी तू ही रे। इस पल को, इस लम्हे को भूले से भी भूले नहीं रे। वो मुझे चाहिए। Pledge.
लड़की को छोड़ के। ओके। चलो हम शादी कर लेते हैं मैंगो। मैं स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग पर नहीं चढ़ सकता, शक्तिमान की तरह बिल्डिंग से उड़ नहीं सकता, ही मैन सुपरमैन की तरह फ्लाइंग नहीं कर सकता, लेकिन जेंटलमैन की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा, डाबरमैन की तरह फेथफुल रहूंगा। हम शादी कर लेंगे तो हमारे बच्चे भी यहीं पर पढ़ेंगे, सब मिलकर होमवर्क करेंगे, लंच करेंगे, मैं तुम्हारा बर्थडे ही नहीं डेथ डे भी तुम्हारे साथ ही मनाऊंगा। शादी करनी है तुझे? शादी? हाँ, ये शादी बस? अगली बार अगर ऐसा किया ना, उस दिन मैंने भगवान से कट्टी कर ली। मेरा भाई भी सारे भाइयों की तरह ही है। उस पागल की वजह से मेरी लाइफ से मैंगो मुझसे दूर हो गई। वो टॉर्चर मैं सह नहीं पाया तो मेरा ट्यूशन घर में ही होने लगा। नहीं पढ़ेगा तो तेरी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। देखो ना पापा, इसे सेकंड स्टैंडर्ड में है, इसे 1-2-3 भी नहीं आता। ए, भाई जैसा कहता है वैसा कर। वो बायोलॉजी के बारे में समझा रहा था तो मेरा इंटरेस्ट पौधों में गया, वो शिक्षा दे रहा था तो मेरा राष्ट्र पर इंटरेस्ट गया, वो मैथ सिखा रहा था तो मैं गंदा होता जा रहा था। 1-2-3 बोल जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक क्वीन किंग। क्यों बे, डर लग रहा है क्या? जो हारता है उसका बेस्ट फ्रेंड होता है डर, जो जीतता है उसका बेस्ट फ्रेंड मजबूरी। क्या यार, डायमंड 7 लिखा? उसका नेक्स्ट कार्ड डायमंड 7। ए, डायमंड 7 डाला बे। क्या? जब मैं बंद करूंगा तो वो वही काउंट दिखाएगा। 26. शो। 26. ए, इतना परफेक्ट कैसे किया? कार्ड का गेम खेलने वाले खुद का शिकार करते हैं। लक बहुत कम लोगों को चुनता है और बहुतों को तो दिन में तारे दिखा देता है। जैक पे क्वीन, क्वीन पे किंग, कई तरह का खेल होता है ये। इस गेम में होता है टोटली 52 कार्ड्स, 2 कलर्स, 4 डिजाइंस। बांटने का स्टाइल, पकड़ते समय उसका एक्सप्रेशन, डिस्कार्डिंग करने वाला अपना गेम उसके हाथ से ले सकता है। अगर पास में पत्ता ठीक ना हो तो ब्लाइंड गेम खेलना चाहिए। डायमंड 4 डालकर डायमंड 5 लेने की सोचो तो जाने दो। डबल कार्ड्स हैं, एक ओपन कार्ड और एक मेरे पास है, सो ट्रिपलेट कार्ड्स। बस एक ही लाइफ मिली है, ऐसा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को डाइवर्ट करता है कंफ्यूजन। उसे कंफ्यूज करने के लिए मैंने छोटे पत्ते से शुरू किया। उसका फोकस मेरे गेम पर शिफ्ट हुआ। फोकस शिफ्ट होने का मतलब फेलियर को हाई कहना। जो सोचा था वो कार्ड नहीं आया उसका टेंशन, जो कार्ड उसने डाला वो मैंने उठाया तो उसको डबल टेंशन। ट्रैप करने के लिए 6 डाला, गिर गया, उसने 7 डाला, मैंने गेम को क्लोज कर दिया। सेकंड लाइफ में जैक और क्वीन दोनों भी मेरे पास थे। 6 टोटल, 26। गेम ओवर। वाओ, सुपर। सी ब्रो, लाइफ में जीतना है तो मैनिपुलेशन नहीं कैलकुलेशन करो। चिल ब्रो, जस्ट कूल बेबी, सो वी गुड। फ्लैग को देखकर किसी को भी नेशनल एंथम गाने का मन करता है, नहीं तो सैल्यूट करने का मन करता है, लेकिन मुझे तो वो याद आता है। लेकिन बचपन में तुम्हें फ्लैग देखकर उसने तुम्हें आई लव यू कहा था ना? तुम्हें कैसे पता? कोई पूछे या ना पूछे सबको बताती तो रहती है। फ्लैग देखकर आई लव यू कहा, फ्लैग देखकर आई लव यू कहा। सडनली अगर वो दिख जाए तो तू क्या करेगी? इग्नोर करूंगी, रिजेक्ट करूंगी, ब्लॉक करूंगी, मार दूंगी। एक्सक्यूज मी, हाय, सॉरी, आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगा। वो मैनेजमेंट को जो आपने कंप्लेन किया है वो वापस ले लीजिए, वैसे भी छोटी सी ही तो गलती थी ना।
छोटी सी गलती, वो छोटी सी गलती है। ए, क्या कहा था? मेरा फिगर अच्छा है, यही कहा था। फिगर क्या बे? हाँ, फिगर क्या होता है? लड़की कोई पुतला है, उसे बेच दोगे? फिगर कह रहा है, लड़कियों को रिस्पेक्ट देना सीखो। यत्र नारिस्त पूजते नमन्ते तत्र देवता। बेसिकली अगर लड़कियों को इज्जत दो तो वो देवी होती हैं। फोन, फिगर कह रहा है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। दादी हाय। बैंगन हाय हेलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। नमस्कार में अपना संस्कार है। नमस्कार प्यारी दादी। ये नमस्कार नहीं है, ये जबरदस्ती का अहंकार है। दादी आप गुस्से में बहुत अच्छी लगती हो। और तू शादी के जोड़े में अच्छी दिखोगी। बड़े लोगों ने जो तेरी शादी फिक्स की है वही तुझे शादी करनी पड़ेगी। हैप्पी रहोगी। और एक घंटे में तुम्हें देखने के लिए लड़का आने वाला है। क्या? अमेरिका से लड़का आ रहा है, वो भी इतनी दूर से। मेरी बात सुन रही है ना? दादी जी सुन, फांसी के लिए रस्सी तैयार है, और अगर तू वक्त पे नहीं आई तो फांसी लगाकर मैं मर जाऊंगी। सच्ची में? तो क्या झूठ? दादी आप मरोगी तो मैं बोर हो जाऊंगी ना। क्या 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 क्या? बोर हो जाएगी? चल बकवास मत कर, जल्दी आ जा। दादी दादी प्लीज। और अगर तू नहीं आई ना तो सच में मैं मर जाऊंगी। तू अपनी दादी की बात मानेगी ना? ये लड़कों को देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। हाँ? ए, रिश्ते के लिए आने वाले लड़कों को। ओह, बस देखती जाओ, 5 साल के बाद लड़कियां ही लड़कों के घर जाकर उन्हें पसंद करेंगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, और मैं नहीं मानूंगा। भरोसा रखोगे तो एक नींबू भी जान बचा सकता है। नींबू, सिट्रस, सी विटामिन, अपनी बॉडी में जाए तो मेडिसिन। वही कार में लटका दो और टायर के नीचे आ गया तो पॉल्यूशन। जय हो माँ दुर्गेश्वरी। कृष्णा, मैं बचपन से तेरी कुंडली देख रहा हूँ, तेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसीलिए तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चला आया हूँ मैं। हाँ। मेरी बात सुन, एक दिन, सिर्फ एक दिन बाहर मत जा। कुंडली के हिसाब से आज दोष वाला दिन है, खतरा है, वही बताने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। तुम भी कुछ बता दो। कृष्णा भाई, ये स्वामी का लैपटॉप बहुत पावरफुल है, आई नो इट। मुझसे कहा था तो गुंडागिरी छोड़ेगा, चाकू नहीं छोड़ेगा। पहले काटता था, अब छिलता हूँ। ये दुकान खोलने के लिए पंडित नहीं कहा था? ए, इनकी बात समझ आई यार। अरे तू भी ना यार। पंडित जी आप भी ऐसा क्या कह रहे हो? हॉरोस्कोप में हॉरर मूवी दिखा रहे हो। आई लव यू। उस्ताद, हेयर कटिंग का कितना हुआ? 200। अच्छा, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, निकाल दो। इसके लिए 300। बहुत स्मार्ट बन रहे हो उस्ताद। ये लो, स्वीपिंग मशीन काम नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ले लेना। डूड, वेट वेट, मेरी दुकान पर उधार नहीं चलता। एटीएम बाजू में ही तो है, पैसे निकाल लो, मुझे जरूरी काम है, लेकर आओ। ठीक है। ये फेस ऐसा क्यों बना के रखा है? क्या चाहिए बोलो? एक बार मेरे साथ मंदिर चलो, देवी की पूजा करनी है। अब पता है तू भगवान को नहीं मानता, लेकिन देवी को एक बार देख तो ले बेटा। अगर भक्त देवी को देख लेते हैं तो वो सब संभाल लेती है। प्लीज प्लीज, इसे नहीं दूंगा तो ये रोएगा। मैं एटीएम से पैसे ले आता हूँ, तब तक तुम्हारी माँ 5 मिनट तो रुक सकती है। उस दिन उस एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं सुनी, सुनने का तो मन ही नहीं था। चंडी, मेरी पोती कॉलेज से निकली है या नहीं जरा उससे पूछ। बोल दे उनको कि वो निकल चुकी है। कैसे आने वाली है जरा उससे पूछ। कार से। क्या यार, टायर से हवा क्यों निकाल रही है? मैं कार से नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी शेयर ऑटो से, ताकि ट्रैफिक में फंसकर लेट हो जाऊं और उस लड़के से पीछा छुड़ा सकूं। समझ गया ना, ये तुम्हारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए अनऑफिशियल हॉलिडे। ओके। ए, आज कोई वायरलेस सेट काम नहीं करना चाहिए, ट्रैफिक रिकवरी वैन सब आउटसेट में लगा के रखना, आज ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए अनऑफिशियल हॉलिडे है। हे भगवान, वो लड़का मेरे घर तक ना पहुंच पाए, मुझे ये शादी नहीं करनी, किसी भी हालत में नहीं। हुँ। हुँ।
ये स्कार्फ, ये स्टाइल, क्या बात है, अप्सरा देवी कहलाने वाली ये लड़कियाँ। अब तो चंबल की रानी, ब्यूटी रानी, डाकू रानी स्कार्फ के पीछे छिपी रहती हैं। मेरी मैंगो कहाँ है, क्या पता, कहीं दिख नहीं रही है। इस हैदराबाद के क्लाइमेट में कार में घूमो तो ही अच्छा है। अर्जेंटली एसी कार खरीद लेनी चाहिए। ये हैदराबाद की बारिश को जरा सा भी डिसिप्लिन नहीं है। आज तो बहुत लकी हो तुम। क्यों? मैं जनरली ऑटो में बैठी फिगर्स को देखता नहीं हूँ। क्या कहा? मैंने क्या कहा? कुछ तो वर्ड यूज किया तुमने। फिगर्स? फिगर्स? अच्छा, तुम्हें फिगर्स का मतलब नहीं पता? वैसे जो बैड बॉयज होते हैं ना, कोई लड़की अच्छी दिख गई तो उसे आइटम कहते हैं, पोपट कहते हैं, माल कहते हैं, डियर कहते हैं, और अगर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही तो कसक भी कहते हैं। तुम्हें नहीं पता? अरे, what? लड़कियों के बारे में क्या सोचता है बे तू? अगर लड़की भड़क कर गुस्से में पुलिस स्टेशन गई तो? पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन की तो? जेल में कुत्ते का खाना खिलाकर? लाल मिर्ची? फाइनली तुम जैसे लोगों को फांसी में चढ़ाकर, तुम्हारा मुंह काले कपड़े से ढककर, सफेद रस्सी में डालकर ऐसे खींचो तो। मम्मी, देखो तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम जो सुना रही हो, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तुमने इतनी सारी बातें सुना दी, रेन स्टॉप यार। पता नहीं कौन लड़का तुमसे शादी करेगा। हाँ, कौन करेगा से क्या मतलब है तुम्हारा? वही तो, पता नहीं कौन शादी करेगा। हाँ, कौन शादी करेगा से क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत नसीब वाला होगा वो। He is a very lucky fellow. It's me. नमस्ते। नमस्ते। आप लड़की की दादी हो, ये लड़की की माँ, और ये मेड, मतलब इंडिया में काम वाली। Am I right? Right. If you don't mind, can I take one sleepy? Thank you. Please come. थोड़ा close आ जाओ। Yeah. अमेरिका में काम वाली नहीं होती है ना? आप अकेले आए हैं? शादी भी अकेले ही करूँगा। Basically मेरा sense of humor बहुत अच्छा है। मैं joke करता हूँ तो पूरा अमेरिका हिल जाता है। पूरा अमेरिका हिल जाता है कह रहे हैं? आप आइए ना। Tissue use करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। Yeah. बैठिए। अमेरिका में सारे काम के लिए टिश्यू यूज करते हैं। जल्दी से लड़की को बुलाइए। नो टाइम, टाइम इज मनी। आ जाएगी, आ जाएगी। वैसे आप अमेरिका में कब से सेटल्ड हैं? वन मंथ। वन मंथ? या, आई ब्रेथ फॉर अमेरिका, आई लाइक अमेरिका, आई लव अमेरिकन्स दादी जी। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी, कॉफी में नो शुगर, स्नैक्स में नो सॉल्ट, सब सादा सादा अमेरिकन स्टाइल। और हाँ, शादी कब का सोच रहे हैं? अब लड़की पढ़ना चाहती है। ओ, फंटास्टिक, लड़की को पढ़ने के लिए बोलिए, मैं आता हूँ। ये जो अमेरिका में होता तो मजा आ जाता। मजा आ जाता। अर्जन, लड़की को बुलाइए, देख के चला जाऊंगा। वही तो नहीं है। ब्यूटी पार्लर गई हुई है। ओह, इंडियन फूल गर्ल्स गोइंग टू ब्यूटी पार्लर टू अटैक द अमेरिकन दूल्हास। बेटा, ये सब मेरी पोती को मिला है। ओह, फंटास्टिक। ये देखो, ये साइकिल रेस में जीता है। ओह, शी इज डूइंग साइकलिंग, हेल्थ अच्छी रहती है, वेरी गुड। और ये मिला है, नहीं चेस में मिला है। यू नो व्हाट इज द चेस? व्हिच इज नॉट कैरम बोर्ड। ये जो अमेरिका में किया होता एक तो घंटा हंसते रहते। Exactly. कॉफी लीजिए। आंटी, यू नॉटी है। आई लाइक इंडियन कॉफी, इंडियन गर्ल्स। लड़की को जल्दी बुलाइए। पांच मिनट में आ जाएगी। पांच लड़कियों को देखना है, एक को सिलेक्ट करके एंगेजमेंट करनी है, फिर शादी, उसके बाद तो आपको पता ही है ना, अमेरिका फ्लाई हो जाना है। वो बस आने वाली है। अनवर बोलो। आजादी मुबारक, शाम को मिलकर जश्न मनाएंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। असलम भाई, आप जेल में सेलफोन यूज कर रहे हैं। रेड्डी ने अथॉरिटी को कंप्लेन की है। सेलफोन नहीं है। हाँ, ये सेलफोन नहीं है सर। इनके डिनर का इंतजाम करो। ठीक है सर। डिनर में क्या मंगाओ सर? डिनर नहीं चाहिए,
लंच हैदराबाद में, डिनर भी हैदराबाद में। मैं कितना भी आगे जाने की सोचता हूँ तो भी इसी ऑटो के सामने आके रुक जाता हूँ। अरे बाप रे धूप। हेलो, ओ बाबू ड्राइवर, अर्जेंटली ऑटो में एसी लगवा लो, नहीं तो कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देती हैं। देयर इज अ चांस वी कैन आल्सो यूज यू नो। दीदी दीदी बात सुन लो ना, ये गलत है, तुम्हें ऐसे नहीं मांगना चाहिए। हाँ बेटा ऐसे नहीं मांगना चाहिए। www.vehicles.com में डाल दो, मैं और मैडम ऑनलाइन दे देंगे। हाँ आजकल यही तो ट्रेंड है। हेलो सुन, फिगर नंबर 17.2। हेलो दादी, आप कितनी बार फोन करोगी, मैं आ रही हूँ। कॉफी ले लीजिए ले लीजिए। थैंक्स। कॉफी पिला पिला के मार डालेंगे। हाँ बोल। कहाँ है बे? एटीएम में आउट ऑफ ऑर्डर लिखा था, इसलिए फ्लाईओवर की उस तरफ जा रहा हूँ। अबे जल्दी आना उस्ताद भाई। शेविंग जरा स्मूथ करना। स्मूथ कैसे करोगे? ये बॉल लो। बॉल? इस बॉल को मुंह में रखकर इधर उधर घुमाते रहो, मैं स्मूथ शेविंग कर दूंगा। दूसरा कलर नहीं है क्या? 5 साल से इसे ही यूज कर रहा हूँ, दूसरा नहीं है। अगर इसे मैंने निकल लिया तो फिर क्या होगा उस्ताद? इसके पहले वाले ने जो किया था वही करना। उसने क्या किया था? अगले दिन सुबह आकर मुझे दे दिया था। मम्मी गिव मी 1 रुपी, डैडी गिव मी 2 रुपी, अंकल। मैडम ये आपका बाइक ड्राइवर है? शी इज माय वाइफ। लव मैरिज है? यस। ओह गॉड, गॉड ब्लेस। भाई दान करो। कैश नहीं है मेरे पास, कार्ड है सिर्फ, बैलेंस नहीं है। इस रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर देना, प्लान पता है ना? क्या है ये? हर मिनट कुछ तो हो रहा है, हर बार मैं फंस रहा हूं लेकिन पता नहीं चल रहा। हेलो। ये क्या यार, ये तो भूत जैसी पीछे पड़ गई। मैंने कुछ नहीं सोचा, मतलब तुमसे ही कह रहा हूँ, ट्रैफिक जाम है ना। हाँ है ये सब नॉनसेंस। ए चुप कर रहे बुड्ढे, दिक्कत होती है। हेलो, इतनी ट्रैफिक में तुम्हें जोर जोर से हॉर्न बजाने की क्या जरूरत है? ओ बेटा बॉडी बिल्डर्स, मैडम के बारे में तुम्हें नहीं पता है, ये एक बार भड़क गई तो सीधे पुलिस स्टेशन में जाकर 91.1, 92.7, 93.5, 98.3 इतने केस तुम लोगों पर डालकर सीधे अंदर करवा देगी और तुम्हें कुत्तों का खाना खिलाकर सीधे फांसी दिलवा देगी। वो कहावत है ना, हाँ, यत्र नारीस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। बेसिकली लड़कियों को इज्जत दो तो वो देवी होती है, नहीं तो ऐसी भूत बन जाती है। मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ, वी लूज माइंड, भूत होते हैं, भूत भूत। हाँ जब कबूतर उड़ने लग गए तो कोई मैजिकल फीलिंग आ गई। इतनी देर से झगड़ा कर रही थी लेकिन अब हंसी, और ये मुझे बहुत पसंद आया। हेलो, तूने मेरे सारे कबूतर उड़ा दिए, इनके पैसे कौन देगा? जल्दी निकाल। मुझे देखकर वो हंस रही थी लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी लड़कियों को हंसते हुए देखा था लेकिन जब इसे हंसते हुए देखा तो ऐसे लग रहा था कि मैं हंस रहा हूँ।
पता नहीं इससे कौन शादी करेगा। वो बस आ जाएगी, आ जाएगी। बेटा ये उसे मिला था। How many times you told? ये साइकिल, ये चेस, ये अदर स्पोर्ट्स। How many times? ये अमेरिका में था होता तो वो सू करेगा। सू करेगा? Yeah। बाथरूम उस तरफ है, चलिए। कॉफी। How many coffee I can drink, ji? How many coffee? और कॉफी पिया तो मेरे कान से बाहर आ जाएगी कॉफी। और पांच लोगों को देखना है, एक से एंगेजमेंट करनी है, फिर शादी करनी है, उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है, उसके बाद अमेरिका फ्लाई होना है। क्यों नहीं समझते? पी लीजिए। पी लो ना बेटा, पी लो, आ जाएगी, आती होगी। और पांच मिनट दूंगा, वो नहीं आई तो आई विल आउट। इस टाइम को करंट भी जाना था। यही अमेरिका में हुआ होता तो सू करते थे ना। एग्जैक्टली। अब और इंतजार नहीं होता, उसका रास्ते में कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगी। एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट। थोड़े व्हीकल्स क्रैश हुए हैं, थोड़े लोग इंजर्ड हुए हैं, लेकिन लकीली कोई मरा नहीं है। ये एक्सीडेंट ऐसा लग रहा था कि नेचुरली हुआ है, लेकिन इसके पीछे कोई है, ये किसी को नहीं पता था। Ready for blast. Ten. Nine. Eight, seven, six, five, four, three, two, and guess! अरे कयूम किधर गया? कयूम कहाँ है तू? कहाँ गया तू? कहाँ गया ये हराम का पिल्ला? कयूम चॉकलेट पाइप के पास नहीं है। कयूम कवरेज एरिया में नहीं है। नो नो नो, मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता। मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता। मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता। ट्रैफिक न्यूज लाइव ऑन द ड्राइव। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम हैदराबाद का नंबर एक रेडियो स्टेशन। ये है हॉट गुरु, बैंड बाजा सुन रहे हैं, मैं हूँ भार्गवी। लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट। यहाँ के हाईटेक सिटी फ्लाईओवर में दो लॉरी का एक्सीडेंट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक वैन्स वहाँ मौजूद नहीं है, वायरलेस सेट्स वहाँ काम नहीं कर रहा है। वहाँ के हालात के बारे में ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और लकीली वहाँ किसी को कुछ भी नहीं हुआ। बाय गॉड ग्रेस सब सेफ और सुरक्षित घर जाने के लिए प्रे कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, आपके लिए एक अच्छा गाना प्ले कर रही हूँ। 98.3 रेडियो मिर्ची, ये है हॉट गुरु। अच्छा हुआ किसी को कुछ हुआ नहीं। सो सबको भगवान ने बचा लिया ना। भगवान क्या? वापस मुझे फांसी मत देना प्लीज। टारा। सिगरेट चाहिए क्या? आई हेट स्मोकिंग। ओह, और स्मोकर्स भी। हाँ, सिगरेट के एक साइड आग रहती है और दूसरी तरफ मौत। तुम लोग जो खींचते हो ना, वो मौत होती है। अच्छा, तो उल्टा करके पिए तो चलेगा? जो सिगरेट पीता है सिर्फ उसे ही नहीं, अगल बगल के लोगों को भी कैंसर हो सकता है। बाय एनी चांस आप न्यूज रीडर हो? नहीं। तुम न्यूज रीडर ही हो ना? नहीं। फिर मैं नहीं बताऊंगी। यू वेट, तुम फर्स्ट टाइम ऑटो में बैठी हो ना? नहीं, मैं रोज ऑटो से ट्रैवल करती हूँ। झूठ बोल रही हो। तो सच क्या है? I can prove it.
रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप बाय मार्क मूडी MBA बिजनेस कम्युनिकेशन थर्ड सेमेस्टर 50 लाख फीस सबसे बड़ा रिच कॉलेज तुम्हारी बैच तो इतनी रिच है कि जो कपड़ा पहनते हैं उसी कलर की मैचिंग कार चलाते हैं इतना ही नहीं तुम्हारे पैरों में पायल तुम्हारे हाथों में वैक्सीन ये सब अगर मेंटेन करना है तो मिनिमम AC कार में तो घूमना ही चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुमने जो पहना है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेस पीस इतना खर्चा हुआ है कि उससे ये ऑटो आराम से खरीद सकती हो एम आई राइट अच्छा तो मैं ऑटो में क्यों चढ़ी वही तो मैटर है कार एक्सीडेंट हो सकता है कार पंक्चर हुई हो लेकिन तुम्हारी कार पंक्चर हुई है तो तुम्हें अपने दोस्तों की कार में जाने की आदत है इसलिए तुमने अपनी कार को पंक्चर किया या फिर कार पंक्चर हुई है ऐसा झूठ बोल रही हो ऐसा क्यों करूंगी क्योंकि किसी को बकरा बनाना है या फिर घर जाना पसंद नहीं है पूजा व्रत हवन फंक्शन रिश्ता देखना तुम्हें देखने आने वाला पसंद नहीं है नॉन स्टॉप फोन कॉल ज्यादा प्रेशर इसलिए कार पंक्चर हुई ऐसा झूठ बोलकर तुम ऑटो में बैठी हो राइट रॉन्ग एक्चुअली राइट मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है तुम यहीं के हो क्या दूसरे ग्रह से डाउनलोड हुआ हूँ कौन से स्कूल से पढ़ाई की है तुमने स्कूल कम ऑन फॉलो मी निजाम टीवी लाइव दिखाऊंगा लाइव चेंज कर दूंगा कम ऑन फॉलो मी सुनिए इस नगर को क्या हो गया है एक तरफ लॉरी दूसरी तरफ लॉरी और उसके बीच में कार वाला फंस चुका है लॉरी का लॉरी के साथ लफड़ा हो रहा है और आम आदमी फंस रहा है निजाम टीवी अरे अपनी न्यूज़ देखकर पब्लिक को ये करना चाहिए तू रोके रख और अपना काम कर मैं जो बोल रहा हूँ उसे रिकॉर्ड कर अगर इसी तरह से ट्रैफिक जाम में हम फंसते रहे तो कोई कहीं नहीं पहुँच पाएगा अपनी जिंदगी यही ट्रैफिक जाम में बर्बाद कर देगा और फिर हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा ए तू मुझे क्यों शूट कर रहा है पब्लिक को करना अगर ऐसे ही चलता रहा तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर को इस्तीफा देना ही होगा हम सब ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और इतनी ट्रैफिक में आप लोग अंदर कैसे आ गए ब्रो मैं यहाँ कैसे आया उससे तुझसे क्या अपना काम कर और एग्रीकल्चरल मिनिस्टर के साथ साथ CM को भी इस्तीफा देना होगा अगर हमारे राज्य के CM ने इस्तीफा नहीं दिया तो व्हाट द हेल ए संभाल कर क्या कर रहे हो मेरा कॉलर पकड़ा तूने मुझे न्यूज मिल गई दिन दहाड़े एक आदमी ने सच्चाई से लड़ने वाले मुझ जैसे जर्नलिस्ट पर हमला किया मुझे मारने की कोशिश की गई फिर भी हेल्प करो तो ये गलत बोल रहे हैं क्या अर्जेंटली मर्डर करने की सोच रहा हूँ भाई ये क्या बोल रहे जल्दी से जाकर आ जाओ चुप रहे चुप रहे ऐसी कौन सी गलती कर दी कि तुम मुझे मार दोगे नहीं तो और क्या ब्रो ये जो ट्रैफिक जाम हुआ दिख रहा है उससे CM के इस्तीफे का क्या संबंध है बोलो और होगा तो ही बोलना अपने मन से कुछ मत बोलना ये पब्लिक पागल होती है तुम इनको बिल्कुल नहीं जानते जब दो लोग बात करते हैं तो ये नहीं सुनते जब दो लोग झगड़ा करते हैं तो ये कान खोल कर सुनते हैं और तुम्हारे पास आकर बोलते हैं और टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं वो न्यूज नहीं देखते उन्हें तो न्यूसेंस चाहिए एग्रीकल्चर नहीं चाहिए उन्हें तो कल्चर खराब होता देखना है तो हम वही दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं हम लोगों के पास दिल नहीं होता क्या हमारी भावना नहीं होती क्या सब कुछ होता है ना चलो अब मुझे काम करें दो प्लीज चलो निजाम टीवी लाइव देखिए लाइव को चेंज कीजिए साइड दीजिए चले टोपी मेरे साथ चल फॉलो मी अरे सुनो निजाम टीवी में सब लोग झूठ बोलते हैं यार जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें पब्लिक को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है बस कुछ व्हीकल स्टक हुआ है और कुछ नहीं अरे आपके पांव पड़ता हूं मुझे जाने दो पिछले 4 घंटे से मेरे पास कोई फुटेज नहीं है तो अगले 4 घंटे के लिए मुझे यही शूट करना करने दे और 4 घंटे भाई मैं नहीं रुक सकता मुझे जाने दो मुझे जोर से लगी हेलो हेलो तुम्हें 2 मिनट में आने के लिए कहा था आप ऐसे चिल्ला क्यों नहीं हो दादी जल्दी आओ हाँ वो बस आती ही होगी आप देखिए ना ये तो कितना बताएगी ये साइकिलिंग का अवार्ड ये चेस का अवार्ड और बताता हूँ ये फोटो देख रहे हो ना ये फोटो तब की है जब तेरी शादी हुई थी तेरे भाई के बेटे से निकला था अब वो डायरेक्टर है तेरे पसंद का सीरियल है बालिका वधू और उसके साथ साथ जो सीरियल तू देखती है वो है नागिन और ये तेरे घर की काम वाली है इसका नाम है चंडी रानी ये घर में पोछा मारती है बर्तन धोती है इसकी पगार 1500 है कपड़ा प्रेस की तो 100 रुपए उसे घड़ी किया तो 100 रुपए एक्स्ट्रा दिन में 2 बार बर्तन घिसती है हफ्ते में 1 दिन बाथरूम घिसती है और तुम लोग शॉपिंग करते हो मोर सुपर मार्केट में और तुम लोग जो खाते हो वो सोना मसूरी चावल है तुम रात को चावल नहीं खाते सिर्फ चपाती खाते हो जब तुम चपाती बनाती हो तो रुई के जैसी होती है ऐसा तेरा पति जब जिंदा था तब कहता था तेरे बाप को लव मैरिज पसंद नहीं था इसीलिए तुझे तेरी बहू पसंद नहीं है इसीलिए तू अपनी पोती की अरेंज मैरिज कराना चाहती हो क्योंकि तुझे अरेंज मैरिज ही पसंद है और इसीलिए मैं अमेरिका से आया हूँ कितना बोलेगी याद हो गया है मुझे जैसे पहाड़ याद कॉफी की माँ की कॉफी पिला के मेरी चाल ले लोगी क्या
ये मंगलसूत्र तेरे गले में बांध देता हूँ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, गले में बांधूंगा मंगलसूत्र, बांधूंगा तुझसे शादी करूंगा, अमेरिका में जाकर परिवार पढ़ाऊंगा, और इंतजार नहीं कर सकता और कॉफी नहीं पी सकता। हेलो दादी, टीवी ऑन करके देखिए, मैं निजाम टीवी पर लाइव आ रही हूँ। अरे वाह, आ गई, आ गई, आ गई, छोड़ो मुझे, आ गई, कहाँ है? टीवी में, टीवी में, चलाओ टीवी। कौन है, कौन है? वो है ना वो लड़की जो ऑटो में बैठी है, वो लड़की। हाँ वही वही। हेलो, ये लो दामाद जी से बात करो। माथे पे टिक्की क्यों नहीं लगाई? बाल को जरा ठीक कर लो, सिरों पर उठाना नहीं। हाँ ओहो, सिर नीचे रखो और हंसना थोड़ा, बस थोड़ा है। हाँ ये हुई ना बात, लो इससे बात करो। हाँ मेरी पोती। हाय, हेलो, दिस इज बाबू, बोरा बाबू फ्रॉम यूएसए। दिस इज वन साइड रिश्ता, आई कैन सी यू, यू कांट सी मी, यू आर सो ब्यूटीफुल। बस बस बस, यू कैन टॉक टॉक टॉक। सुनो शहर के लोगों, ये लोग जरा सी ढील दे तो कुछ भी बोलते हैं। अगर ऐसा है तो इस ट्रैफिक जाम के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा को भी इस्तीफा देना चाहिए। बोलो ओबामा को इस्तीफा दे देना चाहिए। मंगलसूत्र रेडी है, हम कब शादी करेंगे? ये कौन है मेरी हीरोइन को टच कर रहा है? ए, कौन है ये लड़का? पागल हो गया है क्या? लड़की को डाउट हो जाएगा। सुनो सुनो, कैमरे की तरफ घूमकर बोलो, ओबामा को इस्तीफा दे देना चाहिए। ओबामा को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये रिश्ता कैंसल। रिश्ता कैंसल? Thank you. Thank you. मुझे इतनी लड़कियों ने हक किया लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं लगा, लेकिन इस लड़की ने हक किया तो ऐसा लगा कि मैं अपने आप को हक कर रहा हूँ। अब तो मैं होश में ही नहीं हूँ। क्या बोला? लड़की ने हक किया तुझे? लड़की ने लड़के को हक किया तो? पंडित जी, आपने बोला था कि मेरे दोस्त को प्रॉब्लम होगी, वहाँ उसे लड़की हक कर रही है। बेस्ट ऑफ लक। अबे तू चुप बैठ, वो लड़की कौन है क्या है मुझे तो कुछ भी नहीं पता है यार, और तू कह रहा है कि दीदी 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 ये फ्लैग तो ले लो ना दीदी। देखो मैं तुम्हें 20 रुपए दे देती हूँ, मुझे फ्लैग नहीं चाहिए। ले लो बेटी। बचपन में मुझे फ्लैग देकर किसी ने आई लव यू कहा था दादी। मेरी मैंगो, मैं सोच रहा था कि इतनी देर से ही मुझे डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन वो डिस्टर्बेंस नहीं, वो डेस्टिनी है। ऐसा लग रहा है मेरा दिल मुझसे बात कर रहा है, वो मुझे याद कर रही होगी, बहुत याद कर रही होगी। अरे सुन, ये तो वही मैंगो है यार। कौन सी मैंगो? मैंगो बोली तो मेरी बचपन की दोस्त। हाँ, क्या बात कर रहा है यार, बचपन से जिसका इंतजार कर रहा था ये वही लड़की निकली, मतलब लव है। क्या बोल रहा है? अरे वो लव है, लव है, लव है। ट्रैफिक जाम होकर 1 घंटा हो गया, लेकिन क्लियर करने के लिए किसी ने ट्राई नहीं की। फ्लाईओवर पर सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, सिर्फ मेरे अलावा। ऐसा लगता है ये सब हम दोनों को मिलाने के लिए ही हो रहा है। चल बेटा प्रोसीड करते हैं, मैं बता देता हूँ उसे कि मैं कौन हूँ। भाई क्या हुआ? एक्चुअली तुझे बैड न्यूज़ देनी है। एक कैसी बैड न्यूज़ देनी है? तेरा लव फेल हो गया। यस, पार्क में, पब्लिक प्लेस में, ट्रैफिक में, मंदिर में, ऐसे बहुत से लवर्स देखे मैंने। यहाँ पूरी तरह से ट्रैफिक जाम हो चुका है और सब लोग बाहर कैसे निकले ये सोच रहे हैं, जबकि तू उस लड़की को देखता जा रहा और मैं तुझे देख रहा हूँ। कुछ समझा क्या? लवर्स और बैगर्स एक ही होते हैं। प्लीज 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 करके तुम प्यार में गिर जाते हो। प्यार में गिरने के बाद उसके लिए प्लीज 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 करके तुम भीख मांगते हो। किसके लिए? शादी के लिए। तू क्या सोच रहा था? छी छी,
Hey. लेकिन तेरा लव हो गया फेल। ए भाई, बार बार ऐसा मत बोला। Hey, हाय। मुंबई में राजश्री प्रोडक्शन वाली एक बहुत बड़ी सिनेमा कंपनी है। तुम लोगों की वजह से उसने बहुत पैसा कमाया। हम लोगों को भी तुम ही मिलवा दो ना। यू टू गुटर्स, नॉर्थ वालों की ही तुम मदद करते हो, साउथ वालों की नहीं कर सकते। अभी ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा और कबूतर कहीं उड़ जाएगा, लड़की भी चली जाएगी, फाइनली तेरा लव फटा। डर का सामना और कॉन्फिडेंस, माय कैरेक्टराइजेशन। लेकिन अब हर प्यार करने वाले की तरह मैं भी प्रेमी बन गया। मेरा नंबर उसे देना है। अब देखना, वो टेंशन, स्ट्रेस, एक्सपेक्टेशन, ये सब एक साथ लग रहा है और उसे ही तो मैजिकल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। मुझे इस नंबर की पूरी डिटेल्स चाहिए। अनवर भाई, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? सर, काम हो गया सर, पैसा चाहिए। ए, जल्दी पूछ रहे, टाइम हो रहा है, जाएंगे। सर, अर्जेंट जाना है सर। क्यों बे, तेरे को अर्जेंट है? नहीं सर, मुझे अर्जेंट नहीं है सर। डिटेल्स। अनवर भाई, क्या है ये, क्या कर रहे हैं आप? अपना प्लान फेल नहीं हुआ है। हमारा प्लान फेल नहीं हुआ है हुसैन। हुआ है, प्लान फेल हुआ है हमारा। ऑपरेशन कैंसिल, हाई कमांड ने बोला है ऑपरेशन कैंसिल। No! 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 हमने जो सोचा है वो हम जरूर करेंगे। क्या बात कर रहे हो, हम नहीं जा सकते, ऑर्डर नहीं है। अपना वॉइस भी नहीं सुनाई देना चाहिए, बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन है, कैसे हो सकता है? हो सकता है, हमने जैसे सोचा था वैसे होगा। ये मेरा प्लान है, फेल नहीं हो सकता। ट्रेनिंग लेकर वो प्रोफेशनल कयूम कहीं भाग गया है, कौन करेगा ऑपरेशन? बिल्कुल नहीं हो सकता अनवर भाई, बहुत बड़ा ऑपरेशन है। अपने लिए अपनी जान पर खेलकर भला ये ऑपरेशन कौन करेगा? ये करेगा। वो ऑपरेशन क्यों करेगा? क्योंकि अनवर करने को कहेगा। कौन है बे? ए, तू है? लाइट कौन डाल रहा है? ए, ए, कौन लाइट मार रहा है उस लड़की पे? कौन है बे? ये लाइट कौन मार रहा है इस लड़की पर? लाइट मैं मार रहा हूँ ब्रो। कौन है बे तू? सॉरी सॉरी सॉरी, बंद कर दूंगा बंद कर दूंगा बंद कर दूंगा। तू उस लड़की को दो घंटे से लाइन मार रहा है, दो मिनट मैंने लाइट क्या मार दी, तुझे जलन हो रही? इसका मतलब ये तो सीरियस लव है ब्रो, ट्रू लव। कौन बोल रहा है तू? मैं बोल रहा हूँ तेरा बॉस। मैं तेरी लव स्टोरी कब से देख रहा हूँ, मेरा फेवरेट सीन था जब तूने कबूतर उड़ाया। वाह, कहाँ है अभी तू, बस में या बिल्डिंग पर? तू ये बता, क्या तूने उस लड़की को अपने दिल की बात बताई? नहीं बताया, अभी तो उस लड़की को नंबर दिया, नोट करेगी, याद करेगी, कॉल करेगी, उसके बाद फाइंड करेगी। तेरे पास इतना टाइम नहीं है बेवकूफ,
जैसे ये ट्रैफिक जैम क्लियर होगा मैं उसे मार दूंगा। गुड जोक ब्रदर, गुड जोक। अब मैं हंस रहा हूँ, हैप्पी? ये क्या कोई रियलिटी शो चल रहा है क्या? कौन सा नया चैनल है और कैमरा कहाँ रखा है? तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, तू मानेगा और जो मैं कहूंगा वो करेगा। हाँ, मना 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 ना। ऑटो में देख। हाँ ऑटो में देख रहा हूँ, ऑटो में देख रहा हूँ, ऑटो में देख रहा हूँ। क्या दिख रहा है बे? एक कबूतर दिख रहा है, वो लेफ्ट राइट घूम रहा है, वो अपना पैर खुजा रहा है, तो फिर क्या है? अब बोल, बोलना। सॉरी बॉस। रुक, अगर उस लड़की को सच बताया तो उस लड़की को मार दूंगा। ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, करंट शॉक था, करंट शॉक था। उस कबूतर को फेंक। अब उस लड़की से दूर हो जाओ। वो डस्टबिन नहीं है, मेरा ऑफिस है। बाजू में रख, बाजू में रख। मानना पड़ा ना। गुड बॉय। अगर तू चाहता है कि उस लड़की को मैं ना मारूं तो जो मैं कहूं वो करेगा तू। मुझे क्या करना है बता? सच होने वाला मेरा सपना और जीतने वाला मेरा प्यार एक फोन कॉल से सब बर्बाद हो गया। मेरी मैंगो को कुछ नहीं होना चाहिए, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। काम क्या है? कहाँ है तू? मुझे क्या करना है? कौन है तू? उसे क्यों मारना चाहता है? बोल जल्दी, क्यों मारना चाहता है? बताऊंगा, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। क्या बात है, तू तो म्यूजिक का बड़ा फैन लग रहा है। तूने मेरा फेसबुक पेज देखा? तेरे फ्रेंड लिस्ट के अंदर मैं नहीं हूं। वेयर आर यू नाउ? मैं यहां हूं, मैं वहां नहीं हूं। सोच मत कि मैं कहां हूं। अनवर जो है सब जगह है। मैं कैप्टन हूं और तू प्लेयर, और इसीलिए कैप्टन जो कहेगा प्लेयर वही करेगा। मैं कहता जाऊंगा, तू खेलता जाएगा। तू एक बॉल है जिसे मैं किक मारूंगा। गेम के रूल सुन। रूल नंबर वन, लड़की ऑटो से नहीं उतरनी चाहिए। रूल नंबर टू, अगर उतरी तो मैं उसे मार दूंगा और कोई उसे बचा नहीं पाएगा। रूल नंबर थ्री, अभी मैंने सोचा नहीं है ब्रो, अगर मैंने जो कहा वो तूने किया तो फोन कट करके तुझे फ्री कर दूंगा। तो फिर मेरी पगार? पगार? रूल नंबर फोर, तू मेरे साथ कभी जोक नहीं करेगा। सुबह 11 बजे एक्सीडेंट हुआ था, शाम के 6 बजे हैं लेकिन ट्रैफिक जैम अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पर फंसे एक आदमी से हम यहाँ के हालात पूछेंगे, तो बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं? सर लाइव है? हाँ। ए लता, मैंने सब्जी ले ली है और तुम्हारी माँ के लिए साड़ी भी और तुम्हारे लिए नाइटी खरीदी है, मैं जल्दी घर आ रहा हूँ। वाह वाह वाह, नाइटी तो बड़ी प्यारी है, कितने में खरीदी आपने? 400 रुपए की है सर। क्या बात है, एक अच्छा आदमी अपनी बीवी के लिए नाइटी खरीद कर घर जा रहा है। हमारे दर्शकों से सवाल है, इस नाइटी की कीमत क्या होगी? ये है मोबाइल टावर, टेक। जरा सुनिए, आप ये वायर के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले एक आदमी ने फोन किया था, अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो वो ऑटो वाली लड़की को मार देगा। देखना कैसा जोक किया, चल आगे की न्यूज़ ढूंढते हैं। इंडिया में कोई सच सुनना ही नहीं चाहता, अपना काम कर। नहीं माँ, करंट की वजह से बेचारा कबूतर। पापा घर आ गए क्या? नहीं बेटा, वो जरा बिजी हैं। आपने पापा को बताया रिश्ते के बारे में या फिर तेरी लव स्टोरी के बारे में? लव स्टोरी क्या माँ? हेलो माँ, ओवर एक्टिंग मत कीजिए, वो लड़का मुझे बस यहीं पर मिला है। ये सब मैंने रिश्ता तोड़ने के लिए किया, सिर्फ उस लड़के से रिश्ता तोड़ने के लिए, वो सब कुछ एक नाटक था। मैं तेरी माँ हूँ और जैसा कि हम लोगों की भी लव मैरिज हुई है। हाँ पता है, आप लोगों ने भागकर शादी की थी। बट मामा प्लीज, सच कह रही हूँ, उस लड़के से
मैं बस यहीं पर मिली हूँ। मैं तुम्हें 21 साल से पहचानती हूँ, ठीक है ना? जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ, तू लड़कों के बारे में बताने में मुझे बिल्कुल नहीं डरती। हाँ ठीक है, दादी है कि मर गई। सुबह से वो बाहुबली मूवी 4 बार देख चुकी है। सुबह से तुमने थम्स अप तक नहीं पी है, अब कम से कम ये बिस्किट ही खा लो। अरे कितनी देर से कह रहा हूँ फिर भी सुनती नहीं है। लकड़ी उठाने वाली कोई पागल समझ के रखा है मुझे कटप्पा। इंतजाम कर रही हूँ मौत के सामान का। उसे कैसे पाला है पता है? See ma'am, Archimedes principle indicates that the upper buoyant force that is accelerated on the body, imagine a fluid which is partially or fully submerged, is equal to the weight of the fluid that the body displaces. This is law of physics. लेकिन इसका मतलब क्या है? आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से इन लकड़ियों से आग नहीं सेकनी चाहिए। आपको जो करना है वो करो, मरना है तो मरो। मैं तो चला जाके खाना खाता हूँ। वो बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हैं। तू जल्दी से घर पर आ जा। ए, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, ध्यान से सुन। क्या माँ? वो लड़का बहुत अच्छा है। मेरे मैंगो के लिए। उसने जैसा कहा मैंने ब्लाइंडली कर दिया। हेलो, कांग्रेट्स यार, लड़का बहुत अच्छा है। तुमने उसे कहाँ देखा? देखा है रोड पर रोमियो के साथ, होटल में टीवी पर देखा। हे, हगिंग सीन बहुत अच्छा था। ए, ऐसा कुछ नहीं है। हा? हा? वो कौन है पता है तुझे? किसकी बात कर रही हूँ? किसकी बात कर रही हूँ? रोड पर जिसके साथ रोमांस कर रही थी ना, उसी की बात कर रही हूँ। तुझे बचपन में फ्लैग देकर आई लव यू कहा था ना उसने? वही है वो फ्लैग बॉय, तेरा चाइल्डहुड विलन। तुझे कैसे पता? मेरे फेसबुक आईडी उसे कैसे मिली मुझे नहीं पता। रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट भेजकर सता रहा था, तेरे डिटेल्स पूछ रहा था। एटलीस्ट एक फोटो तो भेजो, ऐसा उसने मैसेज भी भेजा था। मेरी फ्रेंड लिस्ट हाइड कर ली उसने, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाई। ओह, इसीलिए मुझे लगा कि मैंने उसे कहीं तो देखा है। सच में वही है क्या? हे हे, ये रिएक्शन कैसा था तेरा, जैसा बचपन का यार मिला हो? तुझे तो उस पर गुस्सा है ना? गुस्सा तो एक्चुअली उस दिन मैंगो, अगर तू मेरी जिंदगी में नहीं है तो मेरी जिंदगी बकवास हो गई है। भगवान, ये सब क्या है, क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? किसी फिल्म के हीरो जैसे बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा था बेचारा। अच्छा लड़का है, उसके भाई ने सब कुछ गड़बड़ कर दी। ये सब क्या है, इतना बड़ा ट्विस्ट? ए, उसने तुझे पहचाना नहीं? नहीं पता, इतनी देर से वो मुझे ही देख रहा है। अभी वो यहाँ वहाँ घूम रहा है, नंबर देने की कोशिश भी की उसने, कुछ ना कुछ कर रहा है। आई थिंक मुझे फेस करने से घबरा रहा है वो। तो फिर तू एक लव टेस्ट कर लेना, कंफर्म हो जाएगा। लव टेस्ट? उसे बोल कि मैं पैदल चली जाती हूँ, अगर वो तुझे रोकेगा तो समझ उसे तुझसे सच्चा प्यार है। और जब वो तुझसे बात करेगा, हिचकिचाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, तो समझ लेना तुझे उससे प्यार है। नो नो नो, वेट वेट वेट, आई हैव टू थिंक, मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है? नेक्स्ट क्या करना है? हाँ, सुन लिया। तू उस ड्राइवर को क्रॉस कर, अगर दूसरी वायर डिस्कनेक्ट हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पावर सप्लाई बंद हो जाएगी, तो जरा संभल के करना। बाय द वे, लेफ्ट साइड के ड्राइवर के पास एक मार्क देख, वहां पर एक गन है, अगर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना। हेलो, एक बार तू फेल हुआ है, ये तेरा लास्ट चांस है। वो कयूब ने गलती कर दी, मैं सब संभालूंगा। संभाल ले तो ही तेरे लिए अच्छा होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा। माँ, मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ,
आप और पापा खाना खा लेना, हाँ मेरा वेट मत करना, ठीक है? तू एक लव टेस्ट कर लेना, कन्फर्म हो जाएगा। लव टेस्ट? अगर वो तुझे रोकेगा तो समझ उसे तुझसे सच्चा प्यार है। अगर मैं जाने के लिए कहूंगी तो क्या वो मुझे रोकेगा? पता नहीं, देखते हैं। ए, तेरी गर्लफ्रेंड ऑटो से बाहर निकल रही है, मार दूंगा उसको, उसको रोक। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, जैसी ट्रैफिक क्लियर होती है मैं तुम्हें अपनी बाइक से घर छोड़ दूंगा। प्लीज ऑटो में जाकर बैठो। नहीं नहीं, दरअसल मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, बहुत प्यास लगी है मुझे। मैं जाकर पानी लेके आता हूँ कहीं से भी। इस टाइम पर मैं जूस पीती हूँ। जूस? वन मिनट। जूस, जूस प्लीज ऑटो में बैठकर पी लेना, मैं आ रहा हूँ। एक्चुअली ये वाला सिगरेट स्मोक तुम्हें पसंद नहीं है ना, मैंने छोड़ दिया, प्रॉमिस आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा, लेकिन ऑटो में नहीं बैठूंगी ऐसा मत कहना प्लीज। सिगरेट के बारे में नहीं, वो मेरा शूज प्रॉब्लम दे रहे हैं। नए शू है ना? वन मिनट। ऑटो में बैठ जाओ प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन अभी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा तब बताऊंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे घर में काम है, मुझे जाना होगा। समझा करो प्लीज, रिक्वेस्ट समझ लो या फिर ऑर्डर समझ लो, लेकिन तुम यही रहोगी बस। तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, इट्स एन ऑर्डर। अब सुबह से शाम हो गई है लेकिन ट्रैफिक जाम अभी भी वहीं का वहीं है, आप इसमें फंसी हुई हैं। आप हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। क्या क्या वो लड़की ऑटो में बैठेगी? लगी 100 की। वो ऑटो में नहीं बैठेगी, ये लो 10 रुपए। सिर्फ 10? औवा। हे, मेरे पास कैश नहीं है, सब कार्ड्स हैं। हाँ ये लो तो स्वाइप करो ना। हेलो शंकर। पप्पी वो लड़की ऑटो में बैठेगी कि नहीं बैठेगी? नहीं बैठेगी बेबी। बैठेगी बेबी। माँ क्या वो बैठेगी? लगता है मुझे तो लगता है कि बैठेगी। नहीं बैठेगी। सर आप उस लड़की के बारे में क्या कहेंगे? अगर वो भीख मांगे तो सुन लेगी, वरना लात पड़ेगी। वेरी गुड, बहुत सही कहा इन्होंने। अब हम इनसे पूछेंगे। सर आप डॉक्टर अजंता, वेटरनरी डॉक्टर फ्रॉम भुवनेश्वर। माइक मिला तो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। आप अपनी पब्लिसिटी मेरे चैनल पर नहीं कर सकते, जाओ जाओ घर जाओ। भाग गया ये तो। अगर मुझे कोई ऑर्डर करता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ऊपर से एक लड़की ने ऑर्डर किया है, बिल्कुल नहीं बैठूंगी। Ha ha ha!
तेरी बात सुन ली, ऑटो में बिठा दिया तूने। आई थिंक शी लाइक्स यू बॉय। गर्लफ्रेंड तेरी बात सुनती है, बहुत लकी है तू। उसने कहा इसलिए नहीं बैठी मैं, दरअसल बहुत दूर तक जाना है ना, मेरे पैर में दर्द भी है, दोनों पैरों में। पंडित जी उसका फोन तो इंगेज जा रहा। कॉन्टेक्ट हो पाता या नहीं उस बात को भूल जाओ, अब मैं पूजा में जा रहा हूँ। उस्ताद ये शेविंग जल रही है भाई। मैंने बॉल से शेविंग करूंगा कहा था, तुमने बॉयलर से शेविंग करा ली। ए जरा देख तो, देख कहीं कटा है क्या? एक मिनट रुको, वो क्या है कि सलमान जैसा सेंसिटिव स्किन है। अरे भाई कुछ नहीं है। नहीं कटा है, नहीं कटा है। ये क्या है बे? कटा रहेगा तो बुलबुला निकलेगा ना। इसके पहले क्या करता था तू? पंचर बनाता था। पंचर बनाता था। ए तू चल अंदर भाई, ये लो पोछ लो, पोछ लो, ये लो। तूने जितना कहा मैंने किया, अब मैं जा सकता हूँ? ऐसे कैसे जाएगा बे, शमशान जाएगा। अब क्या चाहिए? अब एक्टिंग बंद कर, मेरे साथ धोखा करेगा, अनवर को धोखा देगा। मैंने कहा धोखा दिया? मैंने क्या करने को कहा और तूने क्या किया? मैंने जो कहा वो तूने नहीं किया, एक्स्ट्रा नहीं करने का। मैंने क्या किया है? तू शायद भूल गया, रूल नंबर वन, उस लड़की को ऑटो से नहीं उतारना है। रूल नंबर टू, जितना कहा जाए उतना ही करने का। एक्स्ट्रा क्यों किया? मैंने किया क्या? डेंजर की स्पेलिंग क्या होती है बताओ? डेंजर की स्पेलिंग DANJER नहीं, GER। सिचुएशन इन डेंजर, नीड पुलिस हेल्प। पुलिस की हेल्प चाहिए तुझे? पुलिस की हेल्प? मैंने पुलिस को जो स्लिप लिखी थी वो उसके हाथ में है, मतलब पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है। दिस इज नॉट अ स्मॉल गेम। शुड आई शूट हर, बेवकूफ? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, नहीं लड़की को कुछ मत करना। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। अरे पागल, तूने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए बताया क्या क्या किया? तूने कनेक्ट किया TPLU-82 जो सबसे पावरफुल बॉम्ब होता है, ऐसे तीन बॉम्ब को तूने कनेक्ट किया है। मेरे पास है, एक बार दबाया तो इस फ्लाईओवर के सेंटर में एक हाई टेंशन वायर है, उसे तूने खुद कनेक्ट किया है, बेवकूफ। भाई पानी देना। मैंने वहाँ पानी पीने के लिए नहीं रुका। अगर तू चाहता है कि कोई ना मरे तो रूल नहीं तोड़ना और उस लड़की को ऑटो से मत निकालना। एक्सक्यूज मी, मैं घर जा रही हूँ। तेरी तो उसे अंदर बैठाओ। बैठ जाओ। What? बैठ जाओ, बैठो। कैसे बात कर रहे हो तुम? Shut the hell and sit down. प्लीज प्लीज समझा करो ना, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी तो बैठ जाओ प्लीज। देखो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताने, लेकिन अभी बैठ जाओ। सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, आई बेग टू यू, प्लीज बैठो ना, बैठो ना। ए, समझ क्यों नहीं रही हो? बैठने को बोला ना प्लीज। ए, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ए, तुम्हें लगी तो नहीं? प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज 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 अंदर बैठ जाओ, प्लीज ऑटो में बैठ जाओ, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा प्लीज। ऑटो में बैठने के लिए तेरे पास 3 मिनट है। देखो तुम नहीं जाने क्या हो रहा है। ये युद्धम खुद से ही
लड़ रहा हूँ, कैसा है ये आलम, पूछूं स्वयं से ही मैं ये सवालम, सारे जवाबों पे छाया निशब्दम। बड़ी अजीब है ये दुविधा, जाऊं कहां, खोई है सब दिशाएं, बिखरी है सरगम, हो गया वो बचपन, आया कैसा समयम, रहूं कैसे कायम, जाऊं जाऊं कहां जाऊं, पाऊं कहां चल पाऊं, समय कैसा ये आया, समय से कोई जीत न सका, समय से न हारूं, शत्रु और शत्रु जो दिखता नहीं है, कैसे उसे मैं जीतूं। अपने लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर को प्रेस करो, एक्यूप्रेशर हेल्प करेगा, ब्रेन अच्छा होगा। ऐसा कुछ होता है क्या? मालूम नहीं क्या? और नहीं तो क्या? What a timing, bro! अभी आओ। अरे यहाँ पर गोली चल सकती है, ट्रैफिक जैम तक तो ठीक था, अब यहाँ पर गोली चलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। कौन आ रहा है? आओ ना। ए, 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 तेरे पीछे देख। तूने तो सबको भगा दिया रे, तेरे डर से वो लोग भाग रहे हैं, और जरा देख सीधे इलेक्ट्रिकल फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिकल ग्रिड ऑन हो गया तो बम फट जाएगा और सब राख हो जाएंगे और सब कुछ मिट जाएगा। भागने वाले सभी लोग अपनी जगह पर रुक जाओ। फ्लाईओवर के बगल में ही इलेक्ट्रिकल करंट है, अगर उसे छुओगे तो राख हो जाओगे। सर, मैं बोल रहा हूँ सर, फ्लाईओवर पर एक लड़का गन लेकर आ गया है। रेडियो मिर्ची 98.3 FM, यह है हॉट गुरु। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अपने हाईटेक सिटी के फ्लाईओवर पर एक अनजान आदमी गन से लोगों को डरा रहा है। थोड़ी देर पहले ही एक ऑटो ड्राइवर को गन से उड़ा दिया है, ऐसी खबर मिली है। एट द सेम टाइम वहां पर डर से लोग इधर उधर भाग रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रिड ऑन होने की वजह से कोई भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। डोंट पैनिक, आप लोग लगातार सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 98.3 FM, इट्स हॉट गुरु। सर, आपको डिनर में क्या चाहिए सर? ए, डिनर मना किया था ना।
एक लड़का गन लेकर फ्लाईओवर पर सभी को डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो लड़का चेन स्नैचर है। उसके हाथ में एक वेपन है, इसलिए कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट ग्रिड ऑन करके सबको मारने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, बॉम्ब ब्लास्ट न्यूज, ब्लास्टिंग न्यूज। हाईटेक सिटी के फ्लाईओवर में कुताकी। ये कुताकी क्या है यार? कुताकी क्या है ये? यहाँ पर फुल स्टॉप, कॉमा लगाओ, पैराग्राफ लिखो, पर आखिर ये क्या है? कुछ बताएगा कोई? कुताकी क्या है ये? हर आदमी सिर्फ बाजू वाले को ही देखता है। वो खुद क्या करता है वो नहीं जानता। उसको सब पता है, वो यही सोचता है मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। He's a terrorist. He's a bloody terrorist. हमारे पास प्रूफ है, हम साबित कर सकते हैं। माधवपुर की ACP दुर्गा वहाँ पर पहुँच चुकी है, ऐसा हमें समाचार मिला है। मैं ACP दुर्गा, पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है। हेलो, तुझसे बात करने के लिए पुलिस ऑफिसर आ गई है। थोड़ा दीवार के पास आ जा। कम कम कम। आपकी डिमांड्स क्या है? मेरी डिमांड्स? बेवकूफ। असली काम तो यही है। बोल। होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर। पुलिस कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर। इमीडिएटली हियर। जल्द से जल्द यहाँ आने चाहिए, तभी मैं अपनी ओरिजिनल डिमांड्स बताऊंगा, वरना मैं होम मिनिस्टर की बेटी को मार दूंगा। नहीं तो मैं होम मिनिस्टर की बेटी को मार। होम मिनिस्टर की बेटी? होम मिनिस्टर की बेटी है वो लड़की जिसे तू कितनी देर से प्यार कर रहा है ब्रो। वो ऑडी Q7 कार में आ रही थी, उसे फॉलो करके मैंने ट्रैप किया, लेकिन वो ऑटो में आई, इसलिए मुझे ट्रैफिक जैम करना पड़ा ताकि मैं उसे ब्लॉक कर सकूं। और उसके बाद आती है तेरी बारी, और तुझसे मैं अपना पूरा काम करवा रहा हूं। घबराओ मत लक्ष्मी, बेटिया को कुछ नहीं होगा। होम मिनिस्टर की बेटी फ्लाईओवर में फंसी है, होम मिनिस्टर की फीलिंग क्या है ये उन्हीं से पूछते हैं। सर, आपकी बेटी वहाँ फंसी है, आपको कैसा लग रहा है? सर 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 बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर, प्लीज सर। होम मिनिस्टर हो या कोई और सेलिब्रिटी, बच्चों के लिए वो बाप ही होता है। आप लोगों के बच्चों को अगर कुछ होगा तो आप लोग कैसा फील करेंगे? सेम सेम मैं भी फील कर रहा हूँ। एंड एज ए स्टेट होम मिनिस्टर आई नो माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज। 20 मिनट्स में होम मिनिस्टर और कमिश्नर यहाँ आ रहे हैं, तब तक किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। 20 मिनट्स में होम मिनिस्टर और कमिश्नर यहाँ आ रहे हैं। होम मिनिस्टर को और कमिश्नर को उस घटना स्थल पर बुलाया गया है। आप देख रहे हैं ना, रोज कार में घूमने वाली होम मिनिस्टर की बेटी आज ऑटो में जा रही है, आखिर क्यों? देखो मेरी बात सुनो, जो न्यूज पुरानी हो गई उसे मत दिखाना, अपना भारत न्यूज चैनल इस टेलीकास्ट को दिखाएगा, ठीक है? कयूम, कयूम, आखिर कयूम फ्लाईओवर पर गया क्यों नहीं? रीजन क्या हो सकता है? गया था, अनवर ने जैसा कहा था वैसा ही गया था, फ्लाईओवर के पास गया था। उसने जो बताया था वो इंडिया अलग है, मैंने जो देखा वो इंडिया बिल्कुल अलग। परमत सम जीवनम भरत माता सदाशयम अखंडता संवेदम भरत खंड प्रबोधम समैक्यता संरावम भरत जाति संबोधम पारुषि भूमि पैना विश्रृंखल विहारम आभरतावनि पैना घोर प्रणय तांडवम आ प्रेमावनि पैना क्रूर विलय नर्तनम आ प्रेमावनि पैना क्रूर विलय नर्तनम। जिसके पास ईमान है वही सच्चा मुसलमान है, और आज तो आज सच्चा मुसलमान बना है कयूम। कुरान में कहा है दुनिया में अमन का माहौल हो, अभी ही क्या कई सदियों सदियों से हिंदू और मुसलमान मिलकर रह रहे हैं। बीवी रामचाम ने देवी माँ ने बालाजी से शादी की थी, तो कड़प्पा गांव के मुसलमान आज भी वेंकटेश्वर स्वामी को अपने घर का दामाद मानते हैं, और वो सभी लोग घर में उनकी पूजा भी करते हैं। मूमल बाड़ा शिवालय के अंदर एक दरगाह है, शिव के भक्तों को मुसलमान के धर्म गुरु उन्हें आशीर्वाद देते हैं। चार मीनार के नीचे भाग्य लक्ष्मी का भव्य मंदिर है, बकरीद के रोज उसे बहुत ही धूमधाम से सजाया जाता है। चार मीनार को दीपावली में लक्ष्मी पूजा करके उसे रोशन किया जाता है। दिल्ली के सुल्तान की बेटी ने विष्णु मंदिर की आराधना की तो श्रीरंगल में उन्हें पूजा जाता है। कोई भी मठाधिपति इसका विरोध नहीं करता है, इनके बीच कोई दीवार नहीं। गोलकुंडा माँ के मंदिर में साल की सभी नवरात्रि को भट्टा अभिषेक किया जाता है।
उतना ही नहीं, 41 रोज तक डलने वाली माला को अय्यप्पा स्वामी के भक्त पहले डालते हैं। बाबा स्वामी का मस्जिद क्यों भूलते हो? धर्म वो होता है जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। पवित्र युद्ध वो होता है जो अपने लोगों को बचाने के लिए शत्रु से लड़ा जाता है, लेकिन जिस युद्ध में अपने ही लोगों की बलि दी जा रही हो वो युद्ध नहीं होता, वो फरेब होता है, राजनीति होती है, धोखा होता है। राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थ के लिए सबको लड़ाते रहते हैं, आज के विद्यार्थियों को झूठा सपना दिखाकर उन्हें भड़काते हैं। ये जाति धर्म सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। असल में इंडिया देश नहीं है, सभी धर्मों का एक समूह है। स्वेच्छा स्वतंत्रता का स्वर्ग है ये। सोचो कितने पुण्य किए होंगे तभी हम यहाँ आ सके। मैं अपनी गलती सुधारूंगा चाचा। वो कौन है मैं ठीक से देख नहीं पाया सर, मुझे लगता है वो अलकायदा का है। दोनों अलकायदा का हो या ISIS का हो, चेहरे पे मास्क लगाते हैं और AK-47 यूज करते हैं, फोन से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन वो ये सब अकेला कर रहा है। This is something new. सर उस टेररिस्ट का फेस दिखा है सर। सर को क्या हुआ? वो कौन है पता है? सर का छोटा भाई है। भाई है? बेस्ट फेलो, जिस टीम में तू रहता है वो हार ही जाती है। दुनिया में मैं सबको मानता हूँ लेकिन उसे नहीं मानता, नहीं मानूंगा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। नो, इम्पॉसिबल। सर आपके भाई के दोस्त का फोन है सर। भाई मैं अभी टीवी में देख रहा हूँ, मैं इस समय सलून में हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई, कब से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, एंगेज आ रहा है। फोन एंगेज, ही इज टेकिंग इंस्ट्रक्शंस, नंबर ट्रेस करो, कोई तो इसे भड़का के काम करवा रहा है, ये एक रिमोट ऑपरेशन है। रामान सर, सर आपसे मुझे कुछ बात करनी है, फ्लाईओवर के हाईजैक के बारे में सर। सर डिनर रेडी है। तेरी तो जाने दीजिए, प्लीज प्लीज कोऑपरेट, प्लीज आप घबराइए मत सर, हम उसे बचा लेंगे। योर डॉटर इज सेफ सर एज ऑफ नाउ, इलेक्ट्रिकल वायर लगे हुए हैं इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पीछे हट जाइए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, होम मिनिस्टर और कमिश्नर यहां पहुंच गए हैं, अपनी डिमांड्स बताओ। बोलो भाई तुम्हारी डिमांड्स क्या हैं? मेरी ओरिजिनल डिमांड्स जेल में जो है। भाई क्या हुआ? प्लीज इस ड्राइवर को बचा लो, तुमने जितना कहा मैंने किया। शट अप, डिमांड बोल। आंखों के सामने किसी की जान जाती है तो वो सब मैं देख नहीं सकता भाई, प्लीज बचा लो भाई। डिमांड्स बोल, बोल मेरे डिमांड्स। नहीं बोलूंगा। क्या करेगा? मारेगा तू? फ्लाईओवर उड़ा देगा? अगर उड़ा सकता है तो उड़ा। तू ड्राइवर को बचाने के बाद ही मैं तेरे डिमांड्स बोलूंगा। साला नखरे दिखा रहा है, नहीं तो जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले जा। ठीक है, मैंने सोचा वो ड्राइवर को नहीं बचाएगा लेकिन उसने हाँ कह दिया, मतलब वो किसी ना किसी टेंशन में है। एक एम्बुलेंस का स्ट्रेचर बस, यहाँ पर एक एम्बुलेंस स्ट्रेचर अर्जेंटली चाहिए। मैं इलेक्ट्रिकल ग्रिड को सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद करूंगा। यहाँ ड्राइवर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, 2 मिनट के लिए मैं इलेक्ट्रिकल ग्रिड बंद करूंगा, उस बीच किसी ने पागलपन किया तो मैं उसे वहीं पर मार दूंगा। सर अनवर भाई ने मुझे बॉम्ब लगाने के लिए बोला सर, मुझे वो ठीक नहीं लगा, मैंने बॉम्ब नहीं लगाया सर। अनवर का फ्लैट कहाँ है पता है तुझे? पता है सर। घटना स्थल पर एम्बुलेंस स्ट्रेचर पहुंचाया गया, देखते हैं आगे क्या होता है। यू आर अंडर अरेस्ट, सरेंडर योरसेल्फ। क्यों भाई, स्ट्रेचर के पीछे से छुपकर आ रहे हो, जो हो रहा है उस पर विश्वास नहीं है क्या? ये कोई वक्त नहीं है मजाक करने का। उन लोगों को जाने को कहो, मैं इलेक्ट्रिकल ग्रिड ऑन कर रहा हूँ, जल्दी लेकर जाओ।
ए, तुम्हें अकल है कि नहीं? यहाँ की सिचुएशन क्या है पता है? और तुम लोगों ने यहाँ पुलिस को भेजा है? तुम लोगों को कुछ नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ओके ओके ओके, ठीक है, कूल। अब डिमांड्स बोल। ठीक है मैं बोलता हूँ, डिमांड्स नहीं कमेंट्स। यहाँ सिचुएशन इतनी बुरी है और इन लोगों ने पुलिस वालों को भेजा है। कितने लोगों की जान खतरे में और तुम लोग पुलिस को भेज रहे हो? क्यों भेज रहे हो पुलिस को? यहाँ DPIU-82 बॉम्ब्स हैं और अगर एक भी बॉम्ब फटा तो हाईटेक सिटी पूरी की पूरी उड़ जाएगी। और वैसे वाले 3 बॉम्ब्स हैं। लेकिन तुम लोग ये बात नहीं समझोगे। यू गाइस कैन यू इमेजिन दैट? पुलिस को भेज रहे हो, ठीक है भेजो, लेकिन अगर बॉम्ब फटा तो यहाँ पर प्रिकॉशनरी मशीन्स हैं, नहीं है ना? इतनी सी बात समझ में नहीं आती। स्पेशल टास्क फोर्स को इन्फॉर्म किया क्या? सिविल डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म किया? स्निपर डॉग्स को इन्फॉर्म किया क्या? इस टाइम जूस पीती हूँ। जूस? फॉरेंसिक यूनिट, रेस्क्यू यूनिट, STF, ऑक्टोपस, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ATS, SRPF। स्मोक तुम्हें पसंद नहीं है ना, मैंने छोड़ दिया। वॉलेंस टीम, बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड, रिमोट चैम्बर यूनिट। किसी को भी इन्फॉर्म किया कि नहीं? नहीं करोगे, नहीं करोगे, लेकिन पुलिस वालों को बराबर भेजोगे? ठीक है भेजो, लेकिन मैं सबको खत्म कर दूंगा। कुछ भी नहीं करूंगा। भाई डिबेट कर रहा है? डिबेट नहीं, डायरेक्शन दे रहा है वो। मेरी डिमांड पूरी नहीं करोगे? बॉम्ब स्क्वाड, फायर डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट अलर्ट पर हो, इट्स अ बिग हिडन प्रॉब्लम। ओके सर, वी विल डू राइट नाउ। अब तू मेरी ओरिजिनल डिमांड्स बोलेगा? मैं नहीं बोलूंगा। नहीं तो मेरी डिमांड और तुम्हारी डिमांड क्या है भाई? ये तो अपनी डिमांड्स हैं। मैं तुम्हारी टीम में हूं ना। चलो अब बोलो भाई। ओके। जेल से असलम भाई को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। अच्छा ये मैटर है। असलम भाई परसों ही तो पेपर में पढ़ा था, हाल ही के ब्लास्ट में उसका सबसे बड़ा हाथ है, 20 डेज में पकड़ा गया था। भाई असलम भाई को जल्दी से छुड़ाना होगा वरना सिचुएशन बहुत बुरी हो जाएगी। अरे मेरी डिमांड्स तो पहले सुन ले। असलम भाई को जल्द से जल्द रिलीज करो, उसके बाद उसे हेलीकॉप्टर में बैठाओ, उसे विकाराबाद में ड्रॉप करो। इज दैट क्लियर? हाँ। और वो सब का सब टीवी पर लाइव होना चाहिए। भारी बजट की हॉलीवुड मूवी दिखा रहे हो भाई, हैदराबाद में बॉम्ब ब्लास्ट, बहुत अच्छा स्केच है भाई। अच्छा भाई एक और बात है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर करते हैं, नहीं तो सेफ्टी का प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके ब्रो, चलो ना, कम ऑन ब्रो। ओके ना, सुपर्ब। नाउ माय ओरिजिनल डिमांड। वन सेकंड ना भाई, जो काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन पैसों की बात करें, खर्चे के काम आएगा? पैसा नहीं चाहिए, मेरी डिमांड्स बोल तू। वन मिनट, मैं अभी बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा ही। नाउ ओरिजिनल डिमांड्स। वन मिनट, मैं अभी बोलता हूँ। अरे भाई यहाँ से एस्केप कैसे होंगे? उन सब के बारे में मैं सोचूंगा, तू डिमांड्स बोल। तुमने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा भाई, नो प्रॉब्लम। ओके नाउ ओरिजिनल डिमांड्स। वन मिनट भाई, एक लास्ट डाउट है, अगर गुस्सा नहीं आएगा तो पूछूं? Hey! देखो भाई आप डांटोगे तो मैं नहीं पूछूंगा। अब क्या है, बोल 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 बोल। भाई पिछले साल किसी को स्विमिंग पूल में डुबा कर संगीत सिखाया था, तो फाइनली वो स्विमिंग कंपटीशन में फर्स्ट आया था। ऐसी ही है ये स्टोरी, प्लान तो तुमने बढ़िया बनाया, एकदम डिक्टो टू डिक्टो। याद है भाई तुमने जो मूवी हैक की थी ना, वो मुझे ट्रांसफर की, तुम्हें जिसने विलन कैरेक्टर दिया उसे पकड़ना चाहिए। ये प्लान के लिए मुझे बहुत हर्ट हुआ है भाई। वही डिमांड्स अगर तुम खुद आकर यहाँ बताते ना, तो अब तक ट्विटर, फेसबुक और ट्रेंडिंग में आ जाता। सच में बहुत हर्ट हुआ हूँ मैं। तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए भाई? यहाँ पर आ जाना चाहिए था ना। मैं खुद वहाँ आकर डिमांड नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने कयूम को भेजा, लेकिन वो मेरा काम नहीं कर पाया, और इसीलिए मैंने तुझे अपने काम के लिए मोहरा बनाया। शिट। Yes! तूने कयूम को भेजा, ये प्लान को एग्जीक्यूट करना था, तेरा प्लान फेल हुआ, तब तूने मेरी लव स्टोरी देखी, मैं ही पागल था जो तुझे नंबर दिख जाए ऐसा शो कर रहा था, अंधेरे में तूने तीर चलाया और तुझे मैं मिल गया। वाह भाई क्या बात है, क्या खेला है। ए, क्या चाहिए तुझे बता? तुझे मेरी स्ट्रेंथ पता नहीं है, फिर भी तू मुझसे खेल रहा है। अनवर शक्तिशाली है, देख फ्लाईओवर में 3। बकवास बंद कर, फ्लाईओवर में 3 बॉम्ब्स हैं, उसका रिमोट तेरे हाथ में है, उसे दबाया तो फ्लाईओवर उड़ जाएगा तो क्या? लेकिन मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं अपने आप को ही मार डालूंगा। मार दूं, मार दूं, मार दूं, हाँ? ए, ए, नहीं, 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 रुक जा। नहीं मारूंगा ब्रो, अगर मैं मर गया तो तेरा क्या होगा? तेरी डिमांड्स मुझे बतानी है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा सुनना होगा। क्या भाई खेल शुरू करें? इट्स अ स्मॉल गेम, तूने जैसा कहा उसमें थोड़ा सा चेंज। अभी तू प्लेयर है एंड आई एम द कैप्टन।
प्लेयर और कैप्टनशिप का रिलेशनशिप बहुत ही सिंपल है, मुझसे ज्यादा तुझे पता है। अभी तू खेलेगा और मैं खिलाऊंगा। तू बॉल है, मैं पैर हूं। इस गेम के 2 सिंपल रूल्स हैं। रूल नंबर 1, मैं, मेरी गर्लफ्रेंड और यहां पर जितने लोग हैं उन्हें सेफली बाहर निकलना। रूल नंबर 2, अभी तक सोचा नहीं है ब्रो। हेलो हेलो, सर अनवर यही रहता है, वो यहाँ से भाग गया सर, कहीं दूर नहीं गया होगा सर। शिट, कैसे भाग गया? पूरी बिल्डिंग को चेक करो सर, सब चेक पोस्ट को अलर्ट करो। यस सर। सर कंट्रोल रूम से मैसेज आया है। सर तुरंत नीचे आइए प्लीज। ओके। उसका गेम मेरी ग्रिप में आएगा ऐसा सोचा था, बट उसने अपना फोन कट कर दिया। बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मेरे सामने मेरा प्यार खड़ा था। मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। ओके ना? ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है वहां पर हमारे डीआईजी पहुंच चुके हैं। सर डीआईजी अभी भी पहुंचे हैं। कौन है ये और यहाँ क्या चल रहा है? इसका नाम कयूम है सर, इट्स अ प्री प्लान टेररिस्ट ऑपरेशन सर। ऑपरेशन के बारे में सब कुछ बताएगा। क्या बताना चाहता है तू? सर मैं जाके होम मिनिस्टर से। कम ऑन राममोहन, वी डोंट हैव एनी प्रॉपर एविडेंस, वी कांट गो टू होम मिनिस्टर लाइक दिस। Hey, call the ambulance! Call the ambulance! Who is this shooter? Who is this shooter? Delhi से call आया है सर, मैं उसे अपडेट कर रही हूँ। सर। सर। डीआईजी। मैं अभी फ्लाईओवर के लिए ही निकल रहा हूँ सर। लेकिन क्यों? सर टाइम देखिए सर, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। What do you mean? This is just a prank call, sir. I'll handle it. पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। देश के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ सर, ये मेरा फर्ज है। ब्रेकिंग न्यूज, डीआईजी फ्लाईओवर पे जा रहे हैं, वो जिंदा लौटेंगे या नहीं ये कुछ कहा नहीं जा सकता, वो हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। डीआईजी क्यों आया? पूरे प्लान की धज्जियां उड़ गई। सर आप नजदीक मत आना वरना मुझे आपको मारना पड़ेगा। सर जैसा आप सोच रहे हो वैसा मैं नहीं हूं सर, प्लीज यहां से चले जाइए। मैं जानता हूं कि तू टेररिस्ट नहीं है, अभी तू जिसकी गन पॉइंट पर है उसी के गन पॉइंट पर मैं भी हूं। मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मेरी बात समझ, अगर तुमने डिमांड के बारे में नहीं बोला तो वो उनको मार देगा। जी, वो इंसान है, छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन तुम उसकी डिमांड्स मत बोलना। नहीं बेटा, अगर तुमने डिमांड नहीं बोली तो वो हमें मार डालेंगे। तो मार डाले, अगर उसने अपनी डिमांड्स नहीं बताई तो कुत्ते की मौत मरेगा। कुत्ते की मौत? असल में डिमांड्स हैं क्या? आपको बताया है सर? नहीं तो
मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे कहा कि तुम्हें उसका मैसेज पहुंचा दूं। मेरी फैमिली, मेरे छोटे छोटे बच्चे। डिमांड्स क्या है? वो कोई तो जेल में है, आतंकवादी को छुड़ाने के लिए कह रहा था, और इससे बढ़कर और ये सब लाइव टेलीकास्ट करवाने के लिए कह रहा था। देखो, उसकी डिमांड्स बोल दो। मेरी फैमिली और बच्चों का सवाल है। असलम भाई को छुड़ाना है, विकाराबाद में हेलीकॉप्टर में ड्रॉप करना है, और लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। डिसीजन लेने का काम उन पर छोड़ दो। मेरी बात मानो। पर मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। तुम अपना मुंह। मैडम, मेरी फैमिली, मेरे छोटे छोटे बच्चे। सर जो कह रहे हैं वो सही है। हमें कुछ हुआ तो असलम भाई को रिलीज नहीं करेंगे। असलम भाई को रिलीज करने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। यही बात है ना सर? यस। डिमांड्स बोल दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पहले तो वो कुछ और ही कह रहा था ना? वो नहीं, मैं करेक्ट हूँ। नो, तुम जल्दबाजी मत करो। लेट्स थिंक अबाउट इट। हे, अरे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी फैमिली का सवाल है, मेरे छोटे छोटे बच्चे। दूसरा रास्ता नहीं है। सर ने हमसे जो कहा वही करेक्ट है। सर, आपके कहने पर मैं डिमांड्स बोल देता हूँ। आप सबको बचा लोगे ना? यस, मैं बचा लूंगा। विल सेव देम ऑल, आई स्वेयर। सेव करना चाहते हो? करवा दूंगा, करवा दूंगा। मेरी ओरिजिनल डिमांड्स। जेल में जो असलम भाई है, उसे फांसी देनी चाहिए। यस, जेल में जो असलम को रखा है उसे फांसी दे दीजिए, वरना फ्लाईओवर को इमीडिएटली ब्लास्ट कर दूंगा। अब उससे डिमांड बुलवाना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 10 मिनट्स में जो भी फ्लाईओवर में आएगा वही टेररिस्ट है, लेकिन ये 50% चांसेस हैं। मैं कंफर्म करने के लिए तुम्हें इशारा कर दूंगा। वो जो कुछ भी बात करेगा उसके बीच में बोलो तो उससे गुस्सा आता है, और ये बात कंफर्म हो जाएगी कि वही टेररिस्ट है। टेररिस्ट का मतलब होता है राक्षस, ना कि आदमी। हमें उसे पकड़ना होगा। ओके ना? अबे पागल कैंडिडेट, कभी कभी बड़े लोग भी मिस्टेक कर देते हैं। अनवर, वो तू ही है ना जिसने मुझे 3 डिमांड्स बताई थी? वो तो मैं तुरंत समझ गया, क्योंकि बात बात पर तूने 3री बात बता दी। असलम भाई को छुड़ाना है, विकाराबाद में हेलीकॉप्टर में ड्रॉप करना है, और लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। डिसीजन लेने का काम उन पर छोड़ दो। मेरी बात मानो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, असल में मैंने टेररिस्ट का नाम बताया ही नहीं। असलम भाई, फ्लो में तो तूने ही बता दिया। प्रेशर संभालने के लिए तेरा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, एडिशनल क्लू, ये सब तो तेरा ही गेम है जो मेरी ग्रिप में आ गया। अगर मेरी डिमांड तुरंत पूरी नहीं की तो मैं DIG का सिर उड़ा दूंगा इमीडिएटली। मुझे मीडिया का सपोर्ट चाहिए। यहाँ ब्लास्ट हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों की हालत खराब हुई है, यह दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। असलम भाई को फांसी देने की तैयारी हो चुकी है, और उनकी फांसी के लिए दुनिया भर के लोगों ने हामी भर दी है। असलम को फांसी दे देनी चाहिए। UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और इंडिया से भी लोगों ने असलम को फांसी देने की डिमांड की है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मोहम्मद सैयद असलम भाई कई टेररिस्ट एक्टिविटी में उसका हाथ है। ये तबाही करने वालों में से मुख्य आरोपी हैं।
हिस्टोरिकल डिसीजन, ये ऐसा पहली बार हुआ है। असलम भाई के टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए उसे आज फांसी की सजा सुनाई गई और उसे मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाया जा रहा है। थोड़ी ही देर पहले असलम भाई नाम के टेररिस्ट को जेल से हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए ले जाते समय असलम भाई ने अधिकारियों पर गन से अटैक कर दिया। टेररिस्ट असलम ने जेल में जेलर की गन लेकर पुलिस अधिकारियों पर हमला किया और उनपे गोली चलाई, और फिर कांस्टेबल बशीर ने उस पर गोली चलाई। जेल में असलम की मौत हो गई है। असलम, असलम, असलम। अब तो यहां से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। वो काम नहीं करेगा ब्रो, जैमर लगा हुआ है। ओह शिट! आई विल किल एवरीबॉडी। अनवर बहुत स्मार्ट है। गेम इज नॉट ओवर ब्रदर। आई एम द कैप्टन। हे, डोंट टच इट। बेवकूफ, ये रिमोट से फटने वाला बम नहीं है, ये ब्लास्ट जरूर होगा। इसे मरना होगा, इसे मरना होगा। वेट 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 सर, इसे निकालिए, इसे बचाइए। वन सेकंड, प्लीज सर, प्लीज सर। सर नो सर, नो नो, एक्टिवेट हो चुका है, इट्स अ टाइम बॉम्ब। मुझे छोड़िए, डेंजरस सर, सर प्लीज, प्लीज, उसे नहीं बचा सकते सर, प्लीज पीछे हटिए सर, नहीं, मुझे छोड़िए, छोड़ दीजिए मुझे, नहीं, नहीं। सर, टाइमर बॉम्ब एक्टिवेट हो गया है, उसे डिफ्यूज करना बहुत मुश्किल है। शादी कर लेते हैं मैंगो, मैं स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग पर नहीं चढ़ सकता, शक्तिमान की तरह बिल्डिंग से उड़ नहीं सकता, सुपरमैन ही मैं जैसे फ्लाइंग नहीं कर सकता। हम दोनों शादी कर लेते हैं तो हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे। हम सब मिलकर होमवर्क करेंगे, लंच करेंगे। मैं तुम्हारा बर्थडे ही नहीं, डेथ डे भी तुम्हारे साथ ही मनाऊंगा। I love you, Mango. वो दो वायर डिस्कनेक्ट हुआ तो पावर स्विच ऑफ होकर पावर सप्लाई बंद हो जाएगी। ये
आपने गेम बहुत अच्छा प्लान किया था सर। डिपार्टमेंट में किसी को भी डाउट नहीं हुआ। एक्सीडेंट, ट्रैफिक जैम, सब परफेक्टली प्लान किया था, लेकिन एक ही गलती कर दी आपने। मेरे भाई को आपने अपनी टीम में रखा, और वो जिस भी टीम में रहता है वो टीम हारी जाती है। वो बचपन से ही ऐसा है। अरेस्ट करके 5-स्टार फैसिलिटी देना, कोर्ट, कॉस्टली लॉयर्स, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, और पीछे कॉन्वे, सुरक्षा, कस्टडी, ह्यूमन राइट्स, माफी मांगना, सिंपथी, सब वेस्ट।